का है कि अमेरिका ने जो है हम उससे अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, अमेरिका ने आपको डिस्टेंस कर दिया है। उन्होंने बकायदा आपको बड़ा वाजे दो टोक पैगाम भेज दिया। मेरी अभी कुछ अर्सा पहले एक CIA के बहुत बड़े ऑफिशियल थे, उनसे मुलाकात हुई थी, जनरल साहब को मैंने उसका जिक्र किया हुआ, और उन्होंने मुझे कहा कि वी नेवर सेड दैट पाकिस्तान इज आवर फ्रेंड बट पाकिस्तान इज ऑलवेज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर और स्ट्रेटजीज दे कीप ऑन चेंजिंग, हमें स्ट्रेटजी तब्दील होती रहती है, इसलिए पाकिस्तान को किसने कहा कि वो हमारा दोस्त है? आपने जबरदस्ती कहा कि हम उनके दोस्त हैं, हम उनके दोस्त हैं। अलबत्ता ये है कि आप उनके साथ स्ट्रेट बिल्कुल जो है ना मामलात रखें, अगर आप उनके साथ स्ट्रेटली डील करेंगे, आप उनको दरमियान में शुगर कोटेड बातें नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में आपकी डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेहतर हो जाएगी। किसी भी मुल्क के लिए खारजा पॉलिसी उसके अंदरूनी मामलात को देख के बनाई जाती है, न कि अपीजमेंट की पॉलिसी कि हम गैर ममालिक को खुश रखें और अपने यहाँ। यही हमारी फॉरेन पॉलिसी थी ना, जिसने आपको 480 ड्रोन हमले करने की इजाज़त दे दी। यही वो लोग थे जहाँ पाकिस्तान में अड्डे मिल गए, यही वो थे जिसमें मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को जो है हमने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को बालाए ताक रखते हुए उनको हवाले कर दिया था अमरीकनों के। और क्या दुनिया पढ़े लिखे लोगों की ये दुनिया नहीं देखती कि जो अकूबत खाने अमेरिका ने बनाए, गुआंतानामो बे बनाया, अबू गरैब बनाया, आपका बागराम बनाया, क्या तालिबान की तरफ से ऐसी कोई चीज़ निकली? लेकिन बाहर पाकिस्तान को एक बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। FATF से करेंगे तो माजी के अंदर ये दोनों हमारे साहिबान बैठे हैं, ये बता सकते हैं क्या सिमिंगटन तरमीम नहीं आई थी आप पे, क्या प्रेसलेट तरमीम नहीं आई थी, क्या आपके ऊपर CTBT FMTC CWC जैसे तरीके जो FATF के ही मुख्तलिफ नाम थे उनके वो तरीका नहीं था? लेकिन हमने प्रेशर को रेजिस्ट किया। हमें प्रेशर करने के लिए जमहूरियत जहाद और जौहरी सलाहियत, जहाद से मुराद यहाँ ये है कि आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, आप उनको जमहूरी अंदाज के अंदर कौम को साथ लेके, ना कि ये फैसले देखिए ना, अभी ये जो उनके गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में बुला के उनकी यहाँ खातर मदारत करने के लिए, ये तो मौका हमें भारत को देना चाहिए था, क्योंकि भारत तो उनका यार गार है अमरीका का। तो ये मौका आपके ख्याल से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने दिया है?